نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہاں جی آج کل آپ نے کمپلینٹ لیٹر کا کہا تھا تو دس از دا کمپلینٹ لیٹر کمپلینٹ کے کیا اصول و ضوابط ہیں یہ ہے کمپلینٹ لیٹر لینا یہ دیکھیں ذرا کیسے کی جاتی ہے اس نے کیسے ایپل بنایا ہے ایپل کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے اف یو آر کمپلیننگ اباؤٹ سم تھنگ یو شوڈ بی ان اے گڈ موڈ You should be in a good mood. Complain करते हुए अक्सर हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं जब आपे से बाहर हो जाते हैं तो हम जायज होते हुए भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही तौर पर बता सकते और हम लूजर एंड पे आ जाते हैं लूजर एंड पे आ जाते हैं Yes, sir, I am... मैं पढ़ता हूँ बेटा आप अपने ये स्पीकर जरा बंद कर दें प्लानिंग टू स्टे पता नहीं क्या आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर थोड़ा जूम करें बेटे मैं करता हूँ आपको ये सारा कुछ आपको ये आप सुन ले पहले फिर मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ ठीक है अपनी ऑडियो जरा वो म्यूट कर दें ये देखें आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको I'm one of your customers staying in your hotel. I'm planning to stay for a week from December 30th, 2011 to January 5th, 2012. So today is my first day here. I stay in room number so and so. As I stay here, I didn't find any convenience as stated in your brochure. क्या? जब हमने इंक्वायरी की कि जनाब आपकी होटल में हमें ये चीजें चाहिए तो उस इंक्वायरी के जवाब में उन्होंने जो है वो हमें जवाब दिया था जिसमें उन्होंने वो फैसिलिटीज जो देते हैं उसको बताया था तो अब आप उस जगह पर पहुंच गए हैं वो चीजें आपको नहीं मिली तो आप कंप्लेन कर रहे सर थोड़ा सा ज़ूम करें ये आपको कितनी पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है आपको पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है ये मैक्सिमम ज़ूम है इसका ये आपको जब आपके पास पहुंच जाएगी तो फिर आपको ये रीडेबल हो जाएगी ये इसके बाद मैं शेयर कर दूंगा वो चीजें जो उसने कही थी इट इज सेड दैट आवर रूम फेस टू द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पेरेंट्रिस्टस ऑन द अदर एंड आई गेट अ रूम विच व्यूज टू द डंपिंग एरिया इट स्मेल बैड एंड वेरी टेरेबल अब एक झूठ उन्होंने बोला कि सारे जो है सीनिक व्यू है लेकिन इसे कौन सा व्यू मिला बैक साइड वाला तो ये कंप्लेंट रीजन ऑफ कंप्लेंट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी योर कस्टमर इन माय विजिट टू योगिया कात्रा एंड आई वांट टू कीप इट फॉरएवर इफ आई गेट अ गुड सर्विस फ्रॉम यू अदरवाइज आई वुड हैव टू लुक फॉर अनदर होटल व्हिच गिव्स गुड सर्विसेज ये उसने कंप्लेंट की है सी द कंप्लेंट के कंप्लेंट जो है वो कितनी जो है उसे कोफ्त हुई है उन्होंने एक बात कही थी कि सारे जो हैं सारे हो कमरे जो हैं वो सीनिक व्यू की तरफ हैं लेकिन इसे बैक साइड का कमरा दे दिया गया तो उसने बताया कि जनाब मैं तो हमेशा आपके पास आना चाहता था लेकिन अगर आप ऐसी ही सूरतियाँ रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम माय यूजर वुड नॉट बी इन योर होटल बट आई वुड लाइक टू फाइंड सम अदर होटल ये है कि उसे कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी उसे थ्रेट भी कर दिया कि यू आर गोइंग टू लूज अ कस्टमर कंप्लेंट में उसे थ्रेट भी कर दिया अब ये सेकंड उन्होंने रिप्लाई किया है आपने उसने क्या कि जनाब आपका ये लेटर हमारे पास पहुंचा हमें ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपने एक हफ्ते का प्लान किया था और इनकन्वीनियंस को हम अपोलोजाइज करते हैं अब ये है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं वी आर प्रॉमिसिंग टू फिक्स द कंडीशन Our officer will be willing to help you in moving all of your stuffs. Once again, please accept your apology for this condition. कि हम उन्होंने कहा फौरी अब देखिए कंप्लेंट आपकी जिस कंपनी का कंप्लेंट डिपार्टमेंट एक्टिव है उस कंपनी की गुडविल भी बढ़ेगी कस्टमर बेस भी बढ़ेगी बिजनेस भी बढ़ेगा जिस कंपनी का कंप्लेंट डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है क्विक देयर शुड बी ए क्विक रिस्पॉन्स to the complaint as well as quick
fixing of the problem what your customer is suffering from. उसने कहा कि मैं मुझे ये कमरा आपने कहा था ये दिया, उन्होंने कहा जी अभी आपको बंदे भेज रहे हैं और वो आपका स्टाफ जो है शिफ्ट करके उस कमरे में दे देंगे जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था. क्विक फिक्सिंग, आपकी कंप्लेंट क्विक फिक्स होगी, यू विल बी हैप्पी, और फिर आपको वो थोड़ा सा उसमें लेवरेज भी दे दें. कंप्लेंट को राइट क्या करना है, 5 कंपोनेंट्स हैं, ये एसेंशियल ऑफ द कंप्लेंट लेटर है. 5 कंपोनेंट्स दैट वी कैन सी इन लेटर ऑफ कंप्लेंट, दे आर बीएस बीपीएस डब्ल्यूसी. हियर आर दिस थिंग. बी क्या है, बैकग्राउंड. कंप्लेंट का बैकग्राउंड क्या है, पहले लेटर में आपने पढ़ा, उसने बैकग्राउंड बताया कि मैंने प्लान किया था, हमने आपके साथ इंक्वायरी में ये बताया पूछा था और आपने ये जवाब दिया था, आपने कहा था ये कमरा आपको देंगे लेकिन आपने वो कमरा नहीं दिया, ये बैकग्राउंड. प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सीन से दिलचस्पी है, मुझे आपने डंपिंग एरिया दे दिया, ये प्रॉब्लम. उसका क्या है कि मैं खिड़की खोलता हूँ तो मुझे खूबसूरत सीन नजर आने की बजाय मुझे बदबू बदबू आती है कि मेरा ट्रिप जो है वो खुशगवार होने की बजाय मुझ पे बैड इफेक्ट कर रहा है. मैं कमरा जो है उसकी खिड़की खोलने से भी कासिर हूँ, मैं कमरे में बैठ के नेचर को एंजॉय नहीं कर सकता. अब सोल्यूशन क्या है, चेंज द रूम, रूम चेंज कर दे मेरा. मैं हफ्ते का मैंने प्लान किया था, मैं आज ही यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ. वार्निंग क्या है कि नेक्स्ट टाइम मैं तो आपके होटल में नहीं रहूंगा जी, मैं तो आपके होटल में नहीं रहूंगा. मैंने बड़ी आपकी तारीफ सुनी थी लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम मेरी और आपकी जो है ना ये बिजनेस जो है ये मेरे आपके ताल्लुकात जो है रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहेंगे. तो क्लोजिंग, गुड क्लोजिंग करेंगे आप. बैकग्राउंड में क्या है, इन दिस सेक्शन द राइटर डिस्क्राइब द सिचुएशन ही शी हैज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू that the goods we ordered last week from your company have not been supplied correctly. ab ye bhi ho sakti hai ki maine kaha tha ki mujhe samsung ke jo hai oven chahiye, aapne mujhe bhej diya haier ka, ye bhi ho sakta hai. maine kaha tha ye model mujhe chahiye jo hai na sm191 chahiye, aapne mujhe bhej diya sm211, ye bhej diya correctly. ye hai, मैंने आपको कहा था बॉल पॉइंट्स मुझे जो आप पियानो की चाहिए, आपने मुझे पिकासो की भेज दी है. मैंने कहा था आपको कि आप मुझे 100 भेजें, आपने मुझे जो है वो 75 भेज दिया. एनीथिंग, दिस इज द बैकग्राउंड. आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑफ माय डिससैटिस्फेक्शन विद द फूड एंड ड्रिंक्स एट द सुका मैम्पीर रेस्टोरेंट ऑन वेडनेसडे 12 February 2011 एट 4 PM. देखिए उसने पूरी डिटेल दी है बैकग्राउंड, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा दिन, तारीख कौन सी और टाइम कौन सा, यह बैकग्राउंड दे दिया है. और जो आपने मुझे जो है वो दी थी, मुझे सर्व की थी फूड, वो आई एम नॉट डिससैटिस्फाइड. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट समथिंग इज बीइंग वर्स टू माय न्यू टीवी व्हिच आई जस्ट हैव बॉट इट इन योर स्टोर. कि नया टीवी लिया, टीवी लिया, नया एलईडी लिया, वो मेरी सेटिस्फेक्शन के पर पूरा नहीं होता कि मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट है. जो मैंने सोचा था आप जो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उससे डिफरेंट. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट समथिंग हैज बीन वर्स टू माय मोबाइल फोन. अब देखें डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट चीजों के सिनेरियो आपके सामने आ गए हैं. आप इससे अपनी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं जिसकी कंप्लेंट आपने करनी है. दिस इज व्हाट बैकग्राउंड इज. प्रॉब्लम क्या काज हुआ, इन दिस सेक्शन द राइटर मे टेल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट टू द मैटर व्हिच इज फेस्ड बाय राइटर. फॉलोइंग काजेस हो सकती हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. On 10 February 2011, we planned an order with your firm for place an order with your firm for 100 electric vouchers for mobile phone. The consignment arrived yesterday but contained only 90 electric vouchers for mobile phones. 100 mangaye the, 90. I stay in room number 217. As I stay here, I don't find any convenience. As it is in your brochure, it is said that all rooms face to the beautiful view of the Peristritis. ये देखिए कोई भी cause कोई भी हो सकती है. इफेक्ट क्या हुआ, the incident put our shop in a difficult position. पहला जो उसने लिखा कि 100 मंगवाए थे 90, उसका इफेक्ट क्या हुआ. As we had to make some emergency purchases to fulfill our commitments to all our customers,
has caused us considerable inconvenience. After spending several wasted hours trying to register in this way, the computer would not accept my application. एक तो मुझे जनाब मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की उसके बाद मेरी कंप्लेंट लॉज करना जो है ये मुश्किल हो गया. The large number of errors is unacceptable to our customers and we are therefore unable to sell these books. के इस किताब में तो बड़ी जनाब गलतियां बड़ी हैं जो आपने मुझे दी है तो इसको तो बेचना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. ये cause and effect है. देखिए तीन चीजें हमने पढ़ी. पहली क्या बैकग्राउंड, दूसरी क्या कॉज, क्या हुआ कॉज क्या थी उस प्रॉब्लम की जो आपने सफर किया, तीसरी उसका इफेक्ट क्या हुआ आप पे आपके कस्टमर पे. अब कस्टमर जो है वो जिसने बायर जो है वो सेलर को एक सलूशन भी पेश करता है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर दें. इसका तरीका ये नहीं होता कि आप चीज उसके मुंह पे मारे और कहें कि जनाब हम आपसे ये ना सिर्फ चीज लेंगे बल्कि आपसे रिलेशनशिप भी तोड़ देंगे. एट लीस्ट गिव हिम वन चांस टू करेक्ट हिज मिस्टेक. उसे आप एक चांस जरूर देंगे, आप अपना सलूशन उसे देंगे कि ऐसे सॉल्व कर दिया जाए तो वी विल बी सेटिस्फाइड. हमें जो कोफ्त होनी थी वो हो गई. बाकी उसका जो नजरिया है सेलर का वो हम अगले लेटर में पढ़ेंगे. इन दिस सेक्शन द राइटर सजेस्ट और गिव्स द सॉल्यूशन टू व्हाट प्रॉब्लम ही शी गेट्स. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग टू आस्क यू टू प्लीज मेक अप द शॉर्टफॉल इमीडिएटली. क्या आपने जो कम सामान भेजा है उसको फौरी तौर पर आप पूरा करें. एंड टू इंश्योर दैट सच एरर्स डू नॉट हैपन अगेन. और ये भी आप ख्याल रखिए कि आइंदा ऐसे एरर्स नहीं होने चाहिए. Could you please ask? Could I please ask you to look into these matters? क्या आप इन मामलों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे? Please send us a corrected invoice for $100. I enclose a copy of the book with the error highlighted. Please reprint the book and send it to us by next Friday. Please service your customer well. आप ये कि different conditions में different solutions जो आप बताते हैं. ये सारा वो एक का नहीं है. ये डिफरेंट कॉजेज जो हमने बयान की उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं. आप अपना भी लिख सकते हैं. आपको कॉज पता, आपको बैकग्राउंड पता चल गया, आपको कॉज पता चल गई, कॉज का इफेक्ट आप पे क्या हुआ, फिर आपने सॉल्यूशन जो है उसे दे दिया. तो ये सारी चीजें जो हैं ये देनी है. वार्निंग, वार्निंग ऑप्शनल है. ये आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन कंप्लेंट लेटर में अपने जज्बात को अपने कॉमन सेंस पे हावी मत होने दें. इफ यू वांट टू कीप योर बिजनेस विद दैट सेलर इंटैक्ट, अगर आप सही सलामत रखना चाहते हैं तो फिर उसे वार्निंग नहीं. वार्निंग इस हद तक के जनाब यही अगर आप इसे चेंज नहीं करते हैं तो हम एट लिबर्टी होंगे कि इन चीजों को कबूल ना करें. इतना नहीं, ये नहीं कहेंगे कि हम जनाब कोर्ट में चले जाएंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं. हम तो बहुत जज्बाती हैं. गलती से भी अगर कोई आ जाए तो हम इस बात को तस्लीम करने की कोशिश नहीं करते. हम कहते हैं इसने जानबूझ के किया होगा. वार्निंग क्या है? राइटर ने वार्न टू द पर्सन और इंस्टीट्यूशन ही शी कंप्लेंट्स. दिस सेक्शन इज नॉट ऑलवेज अपीयर्ड ऑन द कंप्लेंट लेटर. इट मींस दैट द राइटर मे राइट इट और नॉट. लिख दे या ना लिखे, ये ऑप्शन किसकी है? राइटर की. अदरवाइज वी मे हैव टू लुक एल्सवेयर फॉर आवर सप्लाईज. क्या धमकी दी आपने उसे कि अगर आप ये ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें रिप्लेस नहीं करके देंगे, हमारी जो आपने कम क्वांटिटी भेजी है उसको पूरा नहीं करेंगे, मुझे जो कमरा दिया है उसको आप कमरे को बेहतर नहीं करेंगे जो आपने मुझे स्पेसिफाई किया था, तो मैं फिर अपना जो है सामान उठा के कहीं और चले जाऊंगा या किसी और से खरीद. I'm afraid का मतलब होता है I regret. मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है. ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है अंग्रेज से बहुत ज्यादा करती हैं. I'm afraid का मतलब I regret, मुझे दुख है. दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, that if these conditions are not met, we may be forced to take legal action. ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप लीगल एक्शन पे, पहले ही लेटर पे आप लीगल एक्शन पे चले जाएं. हमने वो कलेक्शन लेटर पढ़ा था. कलेक्शन लेटर पहले हमने फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, फोर्थ नोटिस, फिफ्थ नोटिस पे जाके हमने लीगल एक्शन का उसे थ्रेट किया था और फिर भी उसे टाइम 7 दिन का दिया था.
लेकिन यहाँ पे आप कंप्लेन लेटर में लीगल एक्शन, लीगल जो है वो जाके फिर आपका भी खर्चा होगा, उसका भी खर्चा होगा, ये इतना बड़ा थ्रेट इसमें बनता नहीं है, क्योंकि यूजुअली कंपनी जो है वो आपकी बात मानने पे तैयार हो जाती है। इफ द आउटस्टैंडिंग फी आर नॉट पेड बाय फ्राइडे 20 फरवरी सो एंड सो, यू विल इनकर 10% लेट पेमेंट फी, या 10% फीस जो है ये स्कूल या ब्रांचेज आपके जितने भी आपके हैं बिल्स आते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस वहां पर ऑटोमेटिकली ले होते हैं, रखे होते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा करना ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आई विल नेवर बाय इट अगेन इन योर शॉप, मैं आपकी दुकान पे कभी नहीं आऊंगा, ये जो है ना फिकरा लिखा हुआ उसने, हम एशियन को देखते हुए, हम एशियन ऐसा करते हैं, बहुत जज्बाती है। क्लोजिंग क्या, इन द लास्ट सेक्शन द राइटर स्टेट थैंकफुलनेस एंड इज हर होप, उसका शुक्रिया अदा करता है, उम्मीद दार करता है, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज मैटर्स, कि आप जिसकी गलती है उससे पूछ के आप जो है ये सारी ये इसको गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर पेमेंट, कि अगर पेमेंट आपने उसे लेनी है तो उसे ये भी कह सकते हैं, और फिर कि आपके जवाब का मुतमिनी, आप लिख देंगे आपके आपके जवाब का मुतमिनी जो है ये नोट्स हैं, वो सारा जो है जो हमने पीछे पढ़ा, हेडिंग ऑफ द कंप्लेनर को सिर्फ रिटन रियल एंड कंप्लीट एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू फिल इनसाइड एड्रेस भी लिखना है जैसे हमने पढ़ा है, जैसे ये इसने बताया हुआ है, सैल्यूटेशन डियर सर सर अकेला नहीं लिखते कभी भी, क्योंकि सर फॉर्मल है बहुत, और ये सिर्फ लिखा जाता है बॉसेस को, जैसे एप्लीकेशन में आप लिखते हैं वहाँ पे सर, वहाँ पे डियर सर नहीं लिखेंगे, राइट। क्लोजिंग सैल्यूटेशन जो है योर्स फेथफुली, योर कस्टमर, योर स्टूडेंट्स एटसेट्रा, और फिर उसके बाद फिक्स योर सिग्नेचर देयर। अब ये आपका काम है कि कंप्लेंट लेटर टू द रिप्लाई एंड रिप्लाई टू द कंप्लेंट बेस्ड ऑन वन ऑफ द सॉल्यूशन सिचुएशन दे लो। You bought a digital camera from the internet, it costs very high, but when you want to use it, it is unable to take pictures. It's video nahi le raha. Aisa ho sakta hai? Mere janne wale hain, unhone ek makan kharida. Aur jab wo shift hue us ghar mein, lighten jalain, to koi bhi light na jale, sirf garage ki light jal rahi thi, baki koi bhi light nahi jal rahi thi. Unhone electrician ko bulaya, jab electrician ne usko wo बटन उतार के देखा तो पूरे घर में वायर ही नहीं डली हुई थी, और वो उसे बेच के चला गया। ये ऐसा हो सकता है कि कैमरा भी तस्वीर ना खींचे, ये हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं सुनाई, ये हकीकत हकीकी स्टोरी है, जानने वाले की स्टोरी है। ये घर पूरे घर में वायर ही नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी वायर ही नहीं डाली हुई थी। You went to the mall to buy a dress. After paying it, you went out on the mall, but suddenly the alarm went out. Apparently, the cashier forgot to replace the alarm device attached to the dress. You were ashamed and wanted to tell the management of the mall about the carelessness of the worker. अब देखिए, आप कपड़े खरीदते हैं ना तो उसके साथ एक वो लगा होता है पिन के साथ, जिसको वो उतारते हैं मैग्नेट के साथ। बाजुकात वो आ जाता है तो बाहर मशीन लगी होती है, वो मशीन बोल पड़ती है, तो फिर आपको वापस जाके वो उतारेंगे तो वो मशीन उसे गुजर नहीं देती, उसमें बार कोड होता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा। थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हियर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट क्वेश्चन।